अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि आप दिल की बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं, या अगर आप दिल की बीमारी का शिकार हो चुके हैं तो क्या डाइट आपको लेनी चाहिए और उससे आप किस तरह से महफूज रह सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि आप दिल की बीमारियों का शिकार कैसे होते हैं। अगर हम अपनी नॉर्मल रूटीन को देखें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री को देखें, तो हर पेशेंट की दूसरे पेशेंट से वेरी करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी डाइट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन स्टिल वो जो है दिल की बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, उनका इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली का स्ट्रेस, या किसी भी रिलेटेड जो है वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हों, जिसकी वजह से वो बीमार रहते हों, बीपी उनका बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता हो, लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपको कम से कम इसके लिए आधा घंटा से 45 मिनट की जो वॉक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वो डेली बेसिस पे करनी चाहिए, ताकि आप जो हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकें और अपने एक मेंटल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को आप बेहतर रख सकें। ये तो हो गई बात कि आपने फिज़िकली एक्टिव कैसे रहना है। अब फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए आपने खाना क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने क्या नहीं खाना। आपने बोतलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं उनको खाना भूल जाइए कि वो कभी भी आपकी डाइट का पार्ट थी। नंबर 3, स्पाइसी फूड जो है बहुत ज़्यादा उसको आपने कंज्यूम नहीं करना। उसके अलावा जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो आपको जाके तंगी करते हैं, हर इंसान का, मैंने जैसे पहले कहा, दूसरे से मुख्तलिफ होता है, आप वो इस्तेमाल मत कीजिए। अब बात करते हैं आप खा क्या क्या सकते हैं। आप हर चीज़, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर नेमत जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। सिर्फ नमक, मिर्च, मसाले कम करके, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करके आप डेली बेसिस पे उसको खा सकते हैं। अब मॉर्निंग में अगर आप उठ के वॉक कर रहे हैं तो आप उसके साथ चिया सीड्स का इस्तेमाल सुबह उठते ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट लॉस भी करना चाहते हैं अपनी दिल की बीमारी के साथ, क्योंकि अगर आपका वज़न कम होगा, आपकी शरियानों में जो ऑयल जम जाता है, जो फैट जम जाता है, उसकी क्वान्टिटी कम होगी, आप बहुत हद तक बेटर फील करेंगे। आपका वज़न ज़्यादा होना डायरेक्टली आपको लीड कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए और आपके दिल की बीमारी के लिए। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने वज़न को कम करें। उसके लिए आप दार चीनी को पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके बहुत ज़्यादा जो एंजाइम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करता है और डेली बेसिस में एक्टिव रहने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। जैसे ही हम देखते हैं सर्दियाँ आती हैं तो गोश्त में हमारे पास एक फ़िश भी ऐड हो जाती है। अब जो फ़िश होती है वो हमारे वज़न को भी कम करती है और हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है। अगर हम उसको खाते हैं तो वो हमारा यूरिक एसिड कम करती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करती है, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, उसके लिए उसके बनाने का तरीका जो है वो बहुत मैटर करता है। उसको आपने फ्राइड बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना, आप उसको बेक्ड, ग्रिल्ड, या आप उसका सालन पका के उसको चावलों में, पुलाव की फॉर्म में डाल के बिल्कुल खा सकते हैं। या तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं या दिल की बीमारियों के मरीज़ अगर हो गए हैं तो आपने जो गोश्त है, मटन और बीफ, उनको बहुत ज़्यादा लिमिट कर देना है अपनी डेली रूटीन में। अगर आप उसको खाना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार 100 ग्राम्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले डोंट्स में ठंडे पानी से मना किया, ठंडा पानी जो है वो हम यूजुअली पीते हैं अपने गर्म खानों के साथ। जब गर्म खाने के साथ हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी में फ़ैट स्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, बॉडी से निकलने नहीं देता, हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से हमारा बीपी बहुत शूट करता है। नंबर 2, हमारी मोस्ट फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के इस्तेमाल से मैं बहुत ज़्यादा मना करती हूँ। इसलिए एक तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, नंबर 2 उसके अंदर सोडियम का कंटेंट यानी नमक का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। वो हमारे बीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, हमारी बॉडी में डोपामिन की बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी उसको बढ़ाती है, हमारी सेंस ऑफ प्लेयर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा एक स्पाइक पे जाते हैं और फिर ड्रॉप डाउन होता है तो हम बीमारियों का शिकार होते हैं। अपनी बीमारियों से बेहतरी की तरफ आने के लिए, सेहत की तरफ आने के लिए, एक तो खानों को, अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, नंबर 2 वॉक, एक्सरसाइज लाजमी करें, और प्लीज़ खुद भी खुश रहें,
बाकियों को भी खुश रहने दें, उनकी ज़िंदगी जो है वो हेल्दी आप भी बना सकते हैं। आप हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।